सो गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, और कैसे हैं आप सारे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवल स्ट्रीट्स पे। और इस बार का ब्लॉग हम बना रहे हैं, एक्चुअली मुझे गिफ्ट मिला है, मेरी मॉम ने दिया है मेरे को गिफ्ट। क्यों दिया है? क्योंकि मैं मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, और पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि मैं ऐसे कैम लेके आया था लेसेंट। तो अब मोटर ब्लॉगिंग का प्लान है आगे का, किस तरह से राइडिंग वगैरह करनी है वो भी आगे अब चलता रहेगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। तो अब उन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट दिया है, तो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि गिफ्ट क्या है। पहले मैं माइक लगा लूँ, क्योंकि दोनों हाथ से पकड़ना पड़ेगा। हाँ, तो ये ठीक है, गिर गया, कोई नहीं। तो गिफ्ट है ये जी, आप समझ गए होंगे क्या है। ये है एक हेलमेट। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं अंदर किस तरह का है और क्या है इसके। सो गाइस, ये है स्टीलबर्ड एयर SBA 1, जो कि मैंने मंगाया है अमेजोन से। तो चलो खोलते हैं इसको और देखते हैं किस तरह का हेलमेट है। तो इसको फ्रंट से ना खोल के, मैं एक्चुअली पहले खोल चुका हूँ इसको, तो मैंने इसको यहाँ नीचे से खोला था। तो देखते हैं इसके अंदर हेलमेट, और ये तो गाइस, ये मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया है। तो कैसा लगा आपको? क्योंकि अगर मोटर ब्लॉगिंग करनी है, राइडिंग करनी है, तो हमारे पास एक हेलमेट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बाहर जाएंगे, रोड पे रहेंगे, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने मंगाया ये स्टीलबर्ड का SBA मॉडल है इसका, SBA एयर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास वाइट कलर की स्कूटी है, तो मैंने इसलिए वाइट मंगा लिया। वाइट और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी एक बार इसको मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ किस तरह का पूरा ये। तो ये इसका इनर पोर्शन है, बहुत ही अच्छी पैडिंग है, ये पैडिंग भी काफ़ी मोटी दी गई है यहाँ पे, और इस तरफ भी। और ये पूरा का पूरा आप इसको बाहर निकाल के वॉशेबल है, आप अगर चाहें तो ये यहाँ से, ये है यहाँ से क्लिप दे रखी है, और यहाँ पर भी ये क्लिप दे रखी है, तो आप इसको पूरा का पूरा बाहर निकाल के अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं। ये इसका अंदर का लुक है, और ये इसका बाहर का लुक भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसका पीछे का, पीछे स्टील बट का, और ये ISI मार्किंग दी गई है इसके पीछे। और ये सामने इसकी ब्रांडिंग दी गई है, प्लेन वाइजर है। और ये मैंने मंगाया है, और ये मैंने अमेजोन से मंगाया है। वैसे इसका प्राइस है 1994, लेकिन मैंने इसको मंगाया 1500, 1500 रुपये में जी। हाँ, तो चलो एक बार इसको पहन के देखते हैं फिटिंग कैसी है। आपका जो भी साइज़ हो, आप जब भी मंगाएं इसको, आप भी मंगाएं, तो अपना हेड को एक बार मेजर कर लीजिए कितना है, और एक साइज ऊपर ही मंगाना। जैसे मैंने मेजर किया था 57 सेंटीमीटर था, तो मैंने 58 मंगाया है। तो पहनते हैं, तो फिटिंग बहुत ही बढ़िया है इसकी, इस वक्त फिटिंग जो है बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो रहा है, पहनने में बहुत कम्फर्टेबल है, लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा नहीं वेट है इसका, तो बहुत ही अच्छा हेलमेट है ये। बाकी एक्चुअल रिव्यू तो जब हम बाहर इसको लेके राइडिंग पे जाएंगे तभी पता लगेगा। तो अब बिल्कुल हम राइडिंग के लिए तैयार। मैं सबसे पहले इसके ऊपर एक SJKM को अपने माउंट करता हूँ, मतलब नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, अभी नहीं करने वाला हूँ। तो माउंट करके और उसके बाद हम फिर चलते हैं रोड पे। रोड पे जाके हम देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ज़्यादा विंड तो नहीं आ रही, विंड नोज ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि वो यहाँ तो पता लग नहीं सकता, तो उसके लिए हमें रोड पे जाना पड़ेगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो में, पहले हम इस पर माउंट करेंगे अपना SJKM, और उसके बाद बाहर निकलेंगे और इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, और बाहर की परफॉर्मेंस जो भी होगी वो मैं आपको फिर से बताऊँगा। तो तब तक के लिए, अगर आप भी चाहते हैं मंगाना, तो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू यही है कि बहुत सॉलिड है, बहुत ही बढ़िया,
और लुक भी बहुत अच्छा है, स्पॉटी लुक है और 1500 रुपए के अंदर बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। तो आप भी मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। बाकी ऑन रोड क्या रिव्यू है वो मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताता हूँ, जब तक मैं इसके अंदर इस पर माउंट करता हूँ और माउंट करके एक्शन कैमरा लगाते हैं और फिर चलते हैं रोड पे और फिर मिलते हैं आपसे अगले किसी ब्लॉग के अंदर। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, खुश रहें।